एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एसके सिंह। और आज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है डॉक्टर हर्षवर्धन जैन के थ्रू कि अब जो नीट है, नीट एक सिंगल एग्ज़ाम होगा और एम्स और जिपमर अब अलग अलग जो एग्ज़ाम होते थे, जिनका ड्रीम होता था कि सिर्फ और सिर्फ वो एम्स में जाके अपने एमबीबीएस की पढ़ाई करें, तो अब सेपरेटली एम्स के एग्ज़ाम नहीं होगा, सेपरेटली जिपर के एग्ज़ाम नहीं होंगे और उसके जो एडमिशन होंगे सिर्फ और सिर्फ जो है नीट के थ्रू होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जैन ने किया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द एडमिशन टू द एमबीबीएस कोर्स इन एम्स एंड जिपमर टू बी थ्रू द नीट फ्रॉम 2020। जो 2020 आपको पता है कि नीट जो है, नीट 2020 जो है इस बार थर्ड मई को होने जा रहा है, थर्ड मई 2020 को होने जा रहा है। और इसमें जो एग्ज़ाम होंगे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। और अब जो है नीट जो है, नीट में सिर्फ नीट का ही एग्ज़ाम होगा, एम्स और जिपमर का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इस वीडियो में पूरा चीज़ आपको बताने वाला हूँ और क्या क्या आपके जो है पढ़ाई पे इफेक्ट होगा, नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा एक तह तक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वाकई ये सही डिसीजन है या गलत है, क्या है। ये पूरा का पूरा जो है इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो हर्षवर्धन जैन ने ये प्रूफ कर दिया है और ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, आप देख पा रहे हैं, अक्टूबर 4, 2019 और शाम का ही है ये। उन्होंने कहा है कि अब जो एडमिशन होंगे एमबीबीएस में वो नीट के ही थ्रू होंगे। एम्स और जिपमर जो सेपरेट सेपरेट एग्ज़ाम लेते थे, अब वो सेपरेट सेपरेट एग्ज़ाम नहीं होंगे। थर्ड मई को आपका नीट का एग्ज़ाम है और थर्ड मई को जो है, थर्ड मई से ही डिसाइड हो जाएगा कि आप जो हैं एम्स में जाने वाले हैं या जिपमर में जाने वाले हैं, ये थर्ड मई को ही डिसाइड हो जाएगा। सो एडमिशन टू एमबीबीएस कोर्स इन एम्स एंड जिपमर टू बी थ्रू द नीट फ्रॉम 2020। इस नीट 2020 में हुआ डॉक्टर हर्षवर्धन जैन ने बताया है। और पूरा मैं न्यूज़ आपको पूरा यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखिएगा। सो एडमिशन टू द एमबीबीएस कोर्स इन मेडिकल कॉलेज इन ऑल ओवर द कंट्री, राइट, इंक्लूडिंग द जिपमर एंड एम्स टू बी थ्रू द कॉमन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट नीट फ्रॉम 2020। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन अनाउंस ऑन द फ्राइडे, राइट। तो उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन जैन ने बताया है कि जो अब एडमिशन होगा नीट 2020 में, एम्स और जिपमर में सेपरेटली एग्ज़ाम नहीं होगा और उनके जो एडमिशन होंगे वो नीट के ही थ्रू होंगे। जो एनटीए नीट को कंडक्ट करती है तो उसी के थ्रू एडमिशन होंगे। करेंटली जो होता था द एडमिशन टू ऑल द मेडिकल कॉलेज एक्सेप्ट एम्स और जिपमर जो होता था आर डन थ्रू द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मतलब कि पहले क्या होता था कि एम्स का अलग एग्ज़ाम होता था, जिपमर का अलग होता था, नीट का अलग होता था, अब वो अलग नहीं होगा। अब जो है एक ही एग्ज़ाम होगा और उसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए नीट फर्स्ट रैंक आ रहा, तो माइट बी जो है अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है, मुझे जैसा लगता है कि अगर नीट जो फर्स्ट रैंकर होगा उसे एम्स में मिलेगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया अभी आने वाला होगा और आएगा। द नीट इज एप्लीकेबल टू द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंट लाइक एम्स एंड जिपमर, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया के एग्ज़ाम यहाँ पे होते हैं और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं। द कॉमन काउंसलिंग भी होगा एमबीबीएस का एज़ पर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट। ये अभी अभी नया कमीशन एक्ट आया है जो कि खासकर पीजी के लिए काफ़ी इफेक्ट करता था, पोस्ट ग्रेजुएट के जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो जिन्होंने एमबीबीएस पास कर लिया उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव था। बट ये जो एक्ट है अब से लागू होने वाला है एंड विल कम इन टू द फोर्स फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, दैट इज 2020। तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में ये आने वाला है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ है और टाइम्स ऑफ इंडिया बताती है कि दिस विल हेल्प टू सेट अ कॉमन स्टैंडर्ड, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो है एम्स का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई होता है बिकॉज सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, और जो है और मेडिकल कॉलेज का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है। तो इसको सबको मद्देनज़र रखते हुए कि सब एक कॉमन तरीके से ट्रीट हो, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया में और भी डॉक्टर की ज़रूरत है, बेहतरीन डॉक्टर की ज़रूरत है, ताकि हर सेक्टर पर वो बहुत ही अच्छे से काम करे और बेहतर अपना परफॉर्मेंस कर पाए। और ये तभी हो पाएगा जब सारे इंस्टीट्यूट एक जैसे काम करें, सारे मेडिकल कॉलेज एक जैसे काम करें और सारे मेडिकल कॉलेज में एक जैसे पढ़ाई हो। पीजी में तो ऑलमोस्ट अब एक दो सालों में ऐसा होने वाला है,
और पीजी का जो एंट्रेंस है ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा। बट जो है इसमें अभी यूजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट ये भी अब रिजॉल्व हो चुका है। सो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 प्रोवाइडेड द कॉमन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट दैट इज नीट एंड अलॉन्ग विद द कॉमन काउंसलिंग फॉर द एमबीबीएस कॉमन फाइनल ईयर। अब ये कह रहे हैं कि जैसे आप इसी के अकॉर्डिंग जो पीजी वगैरह में जाएंगे तो उनको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा एमबीबीएस के एग्ज़ाम के बाद, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के बाद, और उसी के बेसिस पे जो है उनको पीजी में सीट मिलेगा। जो पीजी में जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, पेडियाट्रिक सर्जरी ऑप्शन गाइनी, उसके बेसिस पे होगा। बट वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ये जानना है कि वाकई जो है ये बिल जो है नेशनल जो मेडिकल काउंसिल एक्ट जो है वो हमारे जो है करियर पे इफेक्ट करेगा नहीं करेगा। तो देखिए मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ जो है पीजी के कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा सा न्यूज़ है, वो आपसे ज़्यादा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि आप जो है आप मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाए, ये ज़्यादा कंसर्न है। तो देखिए मुझे जहाँ तक लगता है, बिंग अ डॉक्टर मैंने भी एमबीबीएस की पढ़ाई की है और मौलाना आजाद से मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो न्यूज़ है आपके स्टडी पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए नीट को, ठीक है, नीट में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए और ट्राई कीजिए कि नीट रैंक टॉप 10 या टॉप 100 लेके आए, तो आप जो है बेहतर कॉलेज में जा सकते हैं और जो है बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। इस न्यूज़ से आपके जो है स्टडी मैटर पे और आपके परफॉर्मेंस पे बिल्कुल असर नहीं होगा। बिल्कुल आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए। और ये जो चैनल है मेरा डॉक्टर एस के सिंह वाला जो चैनल है वो आपके लिए ही डेडिकेट है। आप देख रहे होंगे कि जो मेरी वीडियो है बहुत ही लगातार और एक सिक्वेंस में आ रही है। तो इस नीट को हम लोग क्रैक करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। जो जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो 100% नीट को क्रैक करेंगे। आप मेरे साथ बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन का बटन है उसको दबा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी चार्ज नहीं है, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो है नीट 2020 जो है हम सब मिलके एक बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आगे लेके आएं और नीट को क्रैक कर सकें। तो इस चैनल को बिल्कुल जो है सब्सक्राइब करना ही करना है, ताकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि more than 300+ आपके बायो में आएंगे, ये मेरा दावा है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार वीडियो आ रही है, एक सीक्वेंस में आ रही है, वो काफ़ी हाईली एफिशिएंस वीडियो है, टू द पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, सबको फ़ायदा उठाना चाहिए इसका। तो बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइए मेरे साथ और जो है नीट का क्रैक करने का सपना जो है पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।